हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एकदम बाजार जैसा इंस्टेंट कंडेंस मिल्क। नॉर्मली कंडेंस मिल्क बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट इस प्रोसेस से आप सिर्फ 2 मिनट में घर पर बहुत अच्छा कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंट कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम ये 50 ग्राम के जितनी चीनी है, चीनी को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अब जितनी हमने चीनी ली हुई है उतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फुल क्रीम मिल्क लिया हुआ है, आप भी कोशिश करें कि फुल क्रीम मिल्क ही लें और दूध को अच्छे से उबाल कर फिर ठंडा कर लें, वो दूध इस्तेमाल करें। अब हमने इसमें एक छोटी चम्मच घी डाला हुआ है। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया हुआ है और जो चीनी है वो दूध में अच्छे से घुल गई है। अब हमें सारी चीज़ें नाप कर ही लेनी है। तो जितना हमने चीनी ली हुई थी उसका जस्ट डबल हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 50 ग्राम चीनी ली थी, 50 ग्राम चीनी के लिए हमने 100 ग्राम के जितना मिल्क पाउडर डाला हुआ है। ढक्कन बंद करके हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और डाल सकते हैं। चीनी की मात्रा चाहें तो आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया हुआ है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि कितनी परफेक्ट है। और ये हमारा 2 मिनट में इंस्टेंट कंडेंस मिल्क बन के तैयार है। तो रक्षाबंधन में आप कोई रेसिपी बनाने के लिए सोच रहे हैं, कोई मिठाई बनाना चाह रहे हैं और आपको मिल्क मेड की ज़रूरत है, तो आप घर पर इंस्टेंट मिल्क मेड बना सकते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 2 मिनट में कितनी आसानी से ये एकदम गाढ़ा बाजार जैसा मिल्क मेड बनाया हुआ है। बहुत आसान है। तो इस रक्षाबंधन में आप इसे बनाकर फ्रिज में रखें और जब भी कभी आपको कोई मिठाई बनाने की ज़रूरत हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।